ये डायलॉग तुम लोग कैसे याद करती हो? ये छिस जहाँ इनकी शूटिंग चल रही होती है ना, माए अपने बच्चे लेके आ जाती, कहती ये छिस पिस कर लेगी, बच्चा छिस कर लेगा। अब चिंटू की बारी। क्या लीजिए? अभी मेरे पैर के नीचे आके नागिन कुचलने वाली थी। 100 साल की तपस्या के बाद हम इच्छाधारी नागिन का रूप धारण कर सकते हैं। मैं तो कहता 15 साल पढ़ाई कर लेते, बढ़िया इंजीनियर लग जाते। आज आपको यहाँ पर भैंस का दूध निकालना पड़ेगा। जैसा आप कहें। काफी खाए पियली लगती है, फर्र से दूध निकल रहा है। बात है, लोन देने वाले पहली बार हमारे घर पे आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले बताइए क्या लेंगे? अब बर्फ के माचिस? पागल हो क्या? नहीं मतलब ठंडा या गरम। क्योंकि क्या है, चाय कोल्ड ड्रिंक पूछेंगे आप मांग लेंगे, हम ठहरे गरीब लोग, कुछ देने को है नहीं। एक मिनट वेरिफिकेशन लेंगे, जाओ अपनी फैमिली को बुलवा के लाओ पूरी, बिना फैमिली वेरिफिकेशन के लोन नहीं दे सकते, जाओ वेरिफिकेशन। गो ये क्या होता है? तो जाओ। आप सिर्फ बताइए फैमिली में कौन कौन चाहिए, 2 मिनट में बना दूंगा। ना देंगे? बता दूंगा मैं, परिवार को बता दूंगा ना कि आप आए हैं। जाओ पूरी फैमिली बुलाओ, मैं अपने आप पूछ लूंगा। गो आप हमारे घर आए, हम आपके घर आए। अरे जाओ बुला के लाओ। लोन तुम्हें लेना है, मुझे लेना है, मैं लोन देने आया हूँ। जा रहे हैं हम। लोन लेना है तो बुला के लाओ। हाँ ठीक, तुमने मुझे लोन के लिए बुलाया, मैं अपने आप नहीं आया। मेंटल। हाँ पापा। हाँ कहाँ हो यार आप? यार पिंकी कहाँ है? पिंकी कहाँ है क्या मतलब? पिंकी अपने कमरे में होगी। तो मैं भी तो वही हूँ। अरे यार तू शक बड़ा करता है, पागल है। ये लोग है ना फंसाएंगे मेरे को, देखना पाजी मैं भी आता हूँ। तुम्हारी बातें सुन के दिल करता है कि मैं मर ही जाऊं। अरे यार अब तू मेरी बातों पे भी मरने लगी है। पिंकी जी, पिंकी। मैं तो पहले डर ही गया था, मुझे ऐसा लगा किसी ने प्लेट में पपीता काट के रखा हुआ। बहुत बढ़िया। पापा आप यहाँ क्या कर रहे हो? यार तू पागल है, मम्मी डैडी बेडरूम में नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? हाय, पहली बार कोई मर्द मेरे कमरे में आया है, नहीं तो अक्सर मैं लोगों को बेहोश कर करके अपने कमरे में लाती रही हूँ। देखिए पिंकी जी, मैंने ना बैंक से लोन लिया है और बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ मैं। ओए रब्बा, मैं 1 महीने से आपके पीछे पड़ी हूँ, मेरे साथ तो फंसे नहीं, मुसीबत में 1 मिनट में फंस गए। अरे यार आप लोग बकवास छोड़ो, वो बैंक मैनेजर नीचे बैठा हुआ है और वो कहता है लोन मैं तभी दूंगा जब आप मुझे अपनी फैमिली से मिलवाओगे। सुनिए बैंक मैनेजर, 9 महीने रुक सकता है, शादी कर दीजिए, 9 महीने में फैमिली पूरी हो जाएगी। देखिए मजाक छोड़िए, उसे फैमिली अभी चाहिए, अभी। देखो प्लीज मेरी मदद कर दो, देखो अगर लोन मुझे मिल गया ना मैं 10% आप सबको दूंगा, ठीक है? आप फैमिली मेंबर बन के जिसको जो बनना है नीचे आ जाओ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, बड़ी बड़ी बातें करना। हाँ वरना ये जो बैंक वाले ने लोन वोन नहीं देते, बड़ी बड़ी बातें। हाँ ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ नीचे। मैं आ रही हूँ पप्पू। हाँ आई एम कमिंग। ये तो बताना भूल ही गया सबको कि कौन क्या बने। अब होएगा पप्पू का पप्पू। आज देखना जी, आज होना दीदार महीरा। Meet my family. Hello. Hello, hello. या 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 नहीं नहीं नहीं, अभी मैं हेलीकॉप्टर नहीं खरीद सकता। अरे नहीं, मैंने अभी 2 जहाज खरीदे हैं बाबा। नहीं, जब तक मैं अपना एयरपोर्ट नहीं ले लूंगा तब तक मैं कोई भी जहाज नहीं खरीदूंगा। एक मिनट, इससे भी बात कर लो, इसने भी कुछ खरीदना है यार, पता नहीं क्या। ये लो भाई। हेलो
तीन हाथी, चार ऊंट और पांच ग्रेट खली शाम तक पहुंच जाने चाहिए। एक मिनट, क्या बकवास कर रही हैं आप? हैं? अरे यार, तूने पहले तो कहा था कि बड़ी बड़ी बातें करना। बड़ी बड़ी कहा था, इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं कि बैंक वाले ही हमसे लोन मांगने लगे। इधर खड़े हो जरा। अरे वाह, सेम हाइट पर तूने चड्डी क्यों नहीं पहनी? बात करने की तमीज नहीं है, कैसा बच्चा है ये? बड़ों से बात करनी सीखो। अरे पहले बड़े तो हो जाओ, फिर बात करना भी सीख लूंगा। हेलो, समझा ला अनुका, बेइज्जती नहीं करानी है 10% के लिए। गाली गुल्ली नहीं देना, समझा? ये ले 50 रुपया, बाहर जाके खा ले, ठीक है? बाहर जाके क्यों खाऊं, टाइम वेस्ट होएगा, इधर ही खा लेता हूं। क्या कर रहा तू? केले बच्चे, हट। मेरा मतलब बाहर जाके पैसे देगा तो वो खाने को देंगे तुझे। ओ, कितना थूक लग गया, लेकिन मैं कोई भी चीज वेस्ट नहीं करता। ये क्या हो क्या रहा है आपके घर में? मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी करो, मुझे वेरिफिकेशन करनी है। चलो, क्यों, आपने मरने जाना है क्या? इसका कहने का मतलब है कि आपको किसी के मरने पे जाना है क्या? मैयत पे जाना है? नहीं 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 नहीं, मैंने जो बोला था ना, मेरा वही मतलब था। मरने जाना है, मैंने वही पूछा। ऐसा बदतमीज बच्चा है, इसको बात करने की तमीज नहीं है। की बातों में बताइए, आप ये वो करिए ना, वेरिफिकेशन। क्या है कि हमने जमीन खरीदी है 50 लाख रुपए की, उसके ऊपर 20 लाख रुपए का कंस्ट्रक्शन करना है, इसीलिए लोन चाहिए था। आपके पास अंकल कैलकुलेटर है क्या? करना कैलकुलेटर? एक्चुअली मैंने कैलकुलेटर से हिसाब लगाना है कि 20 लाख का 10% कितने पैसे होंगे जो मैं लेके भागूंगा। अरे ये स्पोर्ट्स में बहुत दिलचस्पी है, वो भागेगा ना मैराथन में पैसा लेके भागेगा ऐसा। इतना मोटा बच्चा और भागने का शौक। आप क्या समझते हैं कि मोटे सिर्फ बैंक के मैनेजर ही होते हैं? ये बच्चे कुछ भी। आप अपनी जबान पे ताला रखें। बताइए कौन? माई सेल्फ इसका डैडी एंड माई सेल्फ इनका बेटा। ये कौन है? मेरी बीवी। आप बेटा दोनों ने एक लड़की से? नहीं नहीं नहीं, गलत है। नहीं, इनका नाम है मेरी बीवी। इनको पूरा मोहल्ला कहता है मेरी बीवी, मेरी बीवी। अच्छा जी, मेरी बीवी जरा बताएं। नाम ही तुम क्या है, तुमने कहा मेरी बीवी। एक मिनट, नाम इनका घर का है मेरी बीवी। वैसे इनका जो कागजों वाला नाम है ना, साइन वाला, वो मेरी दीदी है। अब बोलो। ऐसा है, वैसे आप सबके रिश्ते मुझे समझ में आ गए हैं, कौन किसका क्या है, पर वो सामने कौन है वो? ये देखा, खुद हंस रहा है। कौन हो भाई साहब? ये नमस्ते। ये बंदे को हमने एंटरटेनमेंट के लिए रखा हुआ है। जब हमको गाना वाना सुनने का दिल करता है, ऐसा टेप रिकॉर्डर ऑन करते हैं, वहाँ गाना शुरू हो जाता है। अरे एक मिनट, ये मेरा फोन बज रहा है, 2 मिनट बाद लड़ लेना। हेलो, हाँ भैया, क्या अपना लोन अप्रूव नहीं हुआ का? अरे यार, ये हमारा बैंक वाले, अरे ना, एक एक डॉक्यूमेंट की तह में जाते हैं। एक कस्टमर ने नकली फैमिली पे लोन ले लिया था, उन्होंने असली फैमिली ढूंढ के 14 साल के लिए अंदर डाल दिया उसको। हाँ हाँ, अरे कोई नहीं यार, फोन रखते हैं कहीं काम से। हाँ अंकल, छोटे छोटे बच्चों को जेल तो नहीं होती? हाँ नहीं बेटा, वो क्या करते हैं, छोटे बच्चे को एक बार जेल में डाल देते हैं, फिर वो 18 साल का होता है तो फिर उम्र कैद कर देते हैं उसको। तो पड़ता बेटा, तो बुजुर्गों का क्या करते हैं? उनका भी ऐसे ही कुछ रफा दफा कराते हैं, मरने वाले तो होते ही हैं वो तो थोड़ा। अंकल जी, हमारी कोई गलती नहीं है, इसने कहा था मेरे रिश्तेदार बनो, मैं ना तुम सबको 10% दूंगा। अब पकड़े गए, थोड़ा हो जाए तो क्या करें, थोड़ा पैसे के लिए करना पड़ता है ना। माफी मांग, माफी, चलो माफी मांगो, चलो सब हमें माफ कर दो, मुझसे माफी मांगो। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मांगूंगा, मुझे लगता है कि मैं अपने क्लास के किसी बच्चे से माफी मांग रहा हूँ। तुम लोगों ने फैमिली बनने की लाजवाब एक्टिंग की है। पास हो गए सारे 100%। अच्छा यार, दरअसल ना मुझे लोन चाहिए था, मेरी कोई फैमिली है नहीं, तो मेरी फैमिली बन जाओगे? प्लीज बी माय फैमिली यार, प्लीज, परफेक्ट फैमिली। प्लीज यार, आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू
भाई साहब इधर आइए, जरा बैठिए यहाँ। मतलब आप लोन वाले नहीं हैं? जैसे आपने किया तो वैसे थोड़ा सा मैंने भी सोचा। Because I don't have a family. तो चिंटू तो क्या कह रहा था बेटा कि रीढ़ पे गरम गरम हथौड़ा मारो तो क्या होता बेटा? मैं कह रहा था कान में लाल रंग का सरिया डाल के ना ऐसे पट दे बंद करो। मुझे बाथरूम जाना है, मुझे बाथरूम जाना है। पाजी बता रहा हूँ, ये 10 का जो छोटा रिचार्ज था ना, बहुत धोया मैंने इसको। वो कहावत आज बहुत अच्छी जाएगी हम पे। कौन सी वाली? जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। अजी लोन नहीं मिला हमको, क्या करे? सोचा था लोन मिलेगा तो हॉलीवुड के सुपरस्टार हम बुलाएंगे, अब क्या करे बताइए पाजी। तो फिर बॉलीवुड के सुपरस्टार बुला लो। नहीं बॉलीवुड का भी ऐसे नहीं आता साहब। चाहिए चाहिए। खैर अभी मैं बाहर खड़ा था, एक बकरा आया मेरे पास, कहता हमको अपने शो पे ले आओ। हमने कहा बकरे हट बे, तू कहाँ से शो पे आएगा। फिर एक छोटा सा चूहा आया, अंकल अंकल प्लीज मेरे को शो पे, मैं भी आऊंगा आपके शो पे, मैं भी आऊंगा। मैंने चूहे फक यहाँ से। फिर दो नागिन मिल गई मेरे को रस्ते में, है नागिन। हाँ, कहती शो पे आना है शो पे। मैंने भाग रहे यहाँ से, शो पे आएगी फिर उसके बाद कहती। जब ऐसा किया ना तब जाके अपनी पैंट बदली है मैंने। तो मैंने कहा अब आना है तो आइए, क्या कर सकते हैं। तो ये कौन सी नागिन है? इच्छाधारी नागिन है? अरे ये ऐसी धारी वाली नागिन है ना। ये बुला ही लेते हैं नागिन को, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मौनी रॉय। रंगे इन्होंने गले लगा कैसे लिया, बाहर एक एक लीटर दूध पिला के लाए हैं नागिनों को। वाह वाह क्या बात है, देखिए जालीदार नागिन। वाह ये खुली नागिन। बहुत बढ़िया। खैर मौनी और अदा एक बात बताइए, यहाँ तक कैसे पहुंची आप लोग? हम तो टैलेंट से पहुंचे हैं, आप बताइए। ओ नागिन डस रही है हमको। एक बात बोलना चाहूंगा, हाँ। बहुत अच्छा लगता है आपका ये सीरियल नागिन जो है, मैं जब भी ये आता है कलर टीवी में इसको जरूर देखता हूँ। थैंक यू सो मच, इट मींस अ लॉट फॉर अस टू वॉच इट। खैर आइए आपको यहाँ पर कुर्सी पर बिठा दो अदा और मौनी के लिए। आप दोनों से मैं पूछना चाहूंगा, आप मुझे बताइए और साफ साफ बताइएगा इस बारे में कि स्नैक काम के लिए आपको इन्होंने कैसे चुना? क्या क्या बोल रहे हैं आप? अरे आप नागिन स्वातम, नागिन लोग से ऐसी बातें होंगी यहाँ पर बैठ के, और क्या बात करेंगे। अरे अब ये बताइए वो जो आपका उसमें है क्या, मतलब आप क्या करना चाहते हो? जो एक हैंडसम सा लड़का है जिसको आप पसंद करते हो, ये बोलते पता नहीं इसको मार दो, क्या है क्या मतलब? हम दोनों सिस्टर्स हैं शो में और एक ये रिवेंज ड्रामा है, रिवेंज भी है लव स्टोरी भी है, तो फिर हम दोनों मिलके वो एक्चुअली पूरी फैमिली के सारे लोगों को मारना चाहते हैं। एक आदमी को बाथरूम में मारा था जाके, वो क्या चक्कर था? इसने भेजा था मुझे। बाथरूम वाला सीरियल सब देखते हैं। आपकी एज कितनी है? जो सांप की एज होती है मतलब 100 साल से ऊपर है? 100 साल की तपस्या के बाद हम इच्छाधारी नागिन का रूप धारण कर सकते हैं। मतलब 100 साल की तपस्या की मतलब आप लोगों ने ना? मैं तो कहता 15 साल पढ़ाई कर लेते, बढ़िया इंजीनियर लग जाते। एक बात बताइए, आप लोग दोनों इच्छाधारी नागिन हैं? जी। मतलब जो इच्छा होती है वो कर सकते हैं आप? जी। तो प्रोड्यूसर से पैसे बढ़वाए कभी आप?
ये वाली इच्छा पूरी नहीं हुई कभी, ये करवाइए। अदा आंसर करेंगी। हाँ बताइए। सांप सांप हिस हिस करके मतलब वो काम नहीं हो पाता। मैं सच्ची बताऊं, इनकी शूटिंग पे मैं चला गया था पाजी एक दिन, मतलब वहां पर बहुत कंफ्यूजन होता था। सेट पे एक दिन क्या हुआ, बगल से सांप निकला, डायरेक्टर खड़ा हो गया, कहता अदा चलो अंदर जाओ, तुम्हारा शॉट बाद में। फिर जब बाद में उस सांप ने काटा तब पता चला भैया ये सांप था। मुझे एक मिनट डायरेक्टर का समझ नहीं आया, जब सांप ने काटा तो ऐसे जमीन पे गिर के ब्रश करने लगा था। वो उसके मुंह से झाग निकल रहा था क्योंकि सांप ने काटा था। ब्रश कर रहा था। खैर पाजी आपको पता है सांप लोगों से मेरे को पहले से बहुत तकलीफ है। क्यों? क्यों? मेरे दादाजी जो थे ना पाजी, बहरे सांप की वजह से मर गए थे। बहरे सांप की वजह? हाँ, क्योंकि सांप सामने आया, वो कह रहे थे बाजू हट चला जा, बाजू हट चला, वो सुना नहीं, वो काट दिया, दादाजी मर गए। ये होता बहरे सांपों का। और अपने बारे में कुछ बताइए मौनी जी। क्या बताऊं? कोई बॉयफ्रेंड है आपका? अरे आपके फैंस जानना चाहते हैं। मैं आपको आपको बताऊंगी शो के बाद, बताऊंगी पक्का। लेकिन कैसे लड़के चाहिए आपको ये बता दीजिए। विदाउट मूछे। वो तो मैं अभी दो मिनट में दिखा सकता हूँ। अदा आपको कैसा लड़का चाहिए? एक्चुअली नहीं चाहिए। तबीयत ठीक है ना? सब नॉर्मल हो ना? लड़का नहीं चाहिए का क्या मतलब है आपका? अभी नहीं चाहिए। What she means is अभी नहीं चाहिए, बाद में चाहिए होगा ना। और अदा जी बताइए आज का क्या प्लान है आपका? ये नागिन भंगड़ा क्यों कर रही है? नागिन की सारी क्वालिटीज है मुझ में, मैं बचपन से ही ऐसे करके चलती हूँ। हाँ ये नागिन की क्वालिटी नहीं है, मैं बताता हूँ आपको चक्कर पता क्या है, ये गरीबी का चक्कर है। ये दो रोटी के लिए ना उसके रस्सी के ऊपर चलती थी बचपन में ऐसे। ये जो दो नागिने बैठी है ना, इससे ज्यादा अच्छा डांस कर सकती हूँ मैं। अरे चाहो तो कंपटीशन करा के देख लो। हो ही नहीं सकता, जाइए आप। सुनिए आइए आइए। अदा मैं तो कहता हूँ बता दो आज। आप आइए सबसे पहले। मैं कहता हूँ बता दो आज। आप रुकिए, चलिए भी बजाइए गाना। मुझे पता क्या लग रहा है, सबसे बेस्ट नागिन हमारा पप्पू ही करके दिखाएगा। हाँ। चलो। ये प्यारा नाग एक बार नागिन हो जाएगा। ये नाचे आपकी बारी।
लो जी मैंने क्या दिखाना है सबको पता ही है भाई छोटी मोटी टीवी की नागनों के आगे इतनी बड़ी स्टार थोड़े नाच सकती है तो मैं तो पहले ही जीती हुई हूँ जा रही हूँ मैं ओके बाय बाय टाटा सी जू आई लव यू गाइस आइए माहौल हुआ है क्या कोई ऑफर चल रहा था बाय वन गेट वन सब फ्री इच्छाधारी नागिन ये इच्छाधारी भैंस देख लो ये मैं बताऊं ये लड़के के बारे में इसको दूध पीना होता है ना भैंस के बाजू में जाके ऐसे मुंह बना के लेट जाता है वो जब सुबह उठती देखती मेरा बच्चा इसको चाट चाट के अपना दूध पिलाती बाजी आजी आजी पहली बार एक बच्चे से सांप डर रहा है ए, बड़े बड़े डायलॉग मारता है यहाँ पे तेरे को क्या लगता है मैं डरता हूँ मैं डरता हूँ समझा एक दम कमिंग बैक ओके आई सी तो हमारे दिलों पे राज कर ही लिया है लेकिन हमने कहा है कि कॉमेडी नाइट लाइव्स में ना हम आपके स्टार से वो करवाएंगे जो आज तक आपने कभी नहीं देखा करते हुए नागिन भागिन नहीं अभी इनका हम करेक्टर चेंज कर देते पाजी दोनों को बकरियां बना देते तुम दोनों बकरियां हो और वो लकड़ी की बकरी तुम्हारी मम्मी है ठीक है अब तुम दोनों को अपनी मम्मी से बातें करनी है आ जाओ आंटी जरा इधर इच्छाधारी बकरियां देखते हैं अब कौन सी बकरी में है प्यारा ज्यादा करती है एल अगर ये बकरी मेरी माँ होती और मैं बकरी होती तो मैं इसके पास जाती और सिर्फ एक ही चीज करती मैं अब आपकी बारी अदा कुछ तो प्यार से मैं कही हम समझ जाएंगे मैं बैठिए एक बात कहनी थी आप दोनों से खैर मैं तो बच्चा हूँ शरारती हूँ बच्चे तो कुछ भी बोलते हैं ये तो दोनों बड़ी इनको तो अकल होनी चाहिए नहीं क्या कर रही थी लकड़ी की बकरी के साथ मैं तो कुछ भी कह देता हूँ अरे कलर चैनल की सुपरस्टार है और लकड़ी के बाद मैं कर रही थी चिंटू वैसे तुम कैसे भूल सकते हो तुम भी स्टार हो तुम्हारी बात तो सुननी पड़ेगी ना इतने क्यूट से हो तुम क्यूट से हो वैसे ना मैंने आपका शो देखा कमाल का शो है उसमें ना कुछ सीन मुझे बहुत पसंद लगे मैं ना आपको भी दिखाना चाहता हूँ दिखाऊं वो देखो देख ले नागिन हूँ मैं बताइए आपको कभी स्क्रिप्ट पढ़ के हंसी नहीं आती मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है स्क्रिप्ट में क्योंकि बॉर्न एंड बॉटम फ्रॉम बॉम्बे मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो उसमें काफी शुद्ध हिंदी मुझे बोलना पड़ता है जैसे कुछ बताओ जैसे शिवन्या तुम्हें सतर्क रहना होगा कभी ऐसा नहीं होता घर जाके आप मम्मी को कहते कि मम्मी आप सतर्क रहिए मैंने चूहा देखा है अच्छा मैं एक बात बताओ हमने तो तुम्हारे लिप्स तुम दोनों के कम बहुत कम हिलते हुए देखे आधा तो तुम ऐसे ही करती रहती हो ऑडियो पीछे चलता रहता है और ऐसा क्यों बहुत ऐसा इसलिए है कि हम सोचते बहुत है दोनों
और हम दिन के कम से कम 10 से लेके 17 वीओज रिकॉर्ड करते हैं। ओह माय गॉड, लेकिन आज इनका वीओ मैं बनूंगा। ठीक है, चलिए बोलिए। तो पहले हमारी मौनी रानी खड़ी होएगी, मैं बोलूंगा, उसको एक्सप्रेशन देने होंगे। आ जाइए। चलिए स्टार्ट। ओह माय गॉड, ये चिंटू तो साला बहुत ही कड़क है। काश मैं थोड़ी छोटी होती तो मैं इससे शादी कर लेती और अपना सारा जहर इसको पिला देती और हम हनीमून पे जाते और एक ही देखा, हमारा प्यार ही ऐसा, लड़कियां लॉस्ट हो जाती बीच में। बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते हैं। रे किसको लेकर आया हूँ मैं, सम्राट अशोक। इतनी क्या हमारे शो में आने की घाई थी कि टी शर्ट भी नहीं पहन के आ सका। क्योंकि मेरे पास 6 एप्स हैं, आपकी तरह बोरी नहीं। क्या केले, तेरे पास कौन सा ऐप्स है? तूने भी तो थैली बांधी है। अरे वाह अशोका जी, आप हमेशा घोड़ों के साथ एंट्री लेते हो, आज गधे के साथ एंट्री कैसे ले लिया? इधर बच्चे से दूर रहना, गधे के साथ एंट्री कैसे मार ली? वैसे मैं आप सबसे सम्राट अशोक में पहले मुझे लेने वाले थे। सच्ची कह रही हूँ। हंसो हंसो, ये बहुत हंसी वाली बात है। इनको लेने वाले थे। मैं सच्ची कह रहा हूँ, मुझे लेने वाले थे। मैंने ऑडिशन दिए, पहली ही एंट्री मैंने घोड़े पे की, फिर दूसरी एंट्री घोड़े पे की, फिर तीसरी एंट्री भी घोड़े पे की, फिर चौथी भी। जब 7 घोड़े मर गए ना, फिर डायरेक्टर ने कहा नहीं भैया। अबे अशोका, मैं ऐसा लड़का चाहिए, देख कमाल का एक्शन करता है लड़का। ऑडियंस जोरदार तालियां हो जाए यार इनके लिए। मैं नहीं मानता। मेरे को पता था तू ये जरूर कहेगा, इसीलिए मैं महाराज के 4 सैनिक लेकर आया हूँ यहाँ पे। महाराज बुला ले चारों को। आ जाओ। एक मिनट दोस्तों, अब चिंटू की बारी। महाराज महाराज ये पकड़ लीजिए। महाराज अशोका के लिए जोरदार तालियां हो जाए।
महाराज आइए, हम चाहते हैं सांपों के बीच बैठे आप। आइए विराजिए। देखो बता, हमारे महाराज क्या कुछ नहीं कर लेते, हाथ पे खड़े हो जाते। महाराज हम चाहेंगे आप दिखाएं एक बार, ये मुझको दे दीजिए। आप, मैं हाथ के बल खड़ा होऊंगा ना तो हाँ। मेरी जो धोती है ना ऊपर हो जाएगी, धोती ऊपर हो जाएगी। समझ रहे ना? आ, मैं समझ रहा हूँ सब कुछ। मैं क्या सोच रहा हूँ? लेकिन एक काम करते महाराज, मैं आपकी धोती पकड़ूंगा। महाराज आइए, धोती पकड़ लीजिए। देख लो, आज इतने बड़े महाराज की इज्जत हमारे हाथ में। आइए महाराज। देखिए, महाराज की इज्जत किसी के हाथ में नहीं होती। मैं उससे भी अच्छा करके दिखाता हूँ आप लोग को। करिए। ओके। अच्छा हाँ ठीक है। रेडी? रेडी। अब हमारा चिंटू साहब दिखाएंगे। आप लोग रेडी हैं? ये लीजिए। अरे अभी मेरे पैर के नीचे आके नागिन कुचलने वाली थी। थैंक यू गाइस, थैंक यू। चिंटू, तू हमारे लिए बहुत ज्यादा वियोस बोल रही थी पीछे, अभी हम कुछ बोले आप रिएक्शन दे दो। कोशिश तो की थी मैंने सम्राट बनने की, पर चिंटू का चिंटू ही निकला। सारा दिन इतना स्टंट करना कैसे कर लेते हो? नहीं, ये तो मेरी आदत है, क्योंकि मैं नेशनल लेवल गोल्ड मेडल जिमनास्ट हूँ, तो हम लोग सुबह 4 बजे से। यही बात महाराज बैठ के भी कर सकते हैं। नहीं, वो मुझसे बड़े हैं ना, तो मुझे आदर देना आता है। इसको कोई चादर नहीं देता, ये आदर दे रहे हैं। बैठिए बैठिए, आप चाहे बैठ के इनके कंधे पे यहाँ बैठिए। आप बैठिए महाराज, मैं बैठता हूँ ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? बैठ रहे, बताइए महाराज क्या चल रहा है जीवन में? तो इतनी एनर्जी कहाँ से पाते महाराज? पहली बात तो मैं जिमनास्ट हूँ। अच्छा। तो हम लोग अपने अपने स्टेट के लिए, अपने नेशनल, अपने भारत के लिए खेलते हैं और फॉरेन जाके मेडल्स लेते हैं, अपने भारत का नाम ऊपर करते हैं। और मेरे अंदर इतनी ताकत आती है, तो मेरी मम्मी है जो इतना अच्छा खाना बनाती है। वाँ वाँ। उसे खाने मम्मी के लिए ताली। क्या बात है, मम्मी के लिए। मम्मी कहाँ पर है? अरे वाह पप्पू, ये तो एक महाराज झूठे कहीं के, ये तो आपकी मम्मी लग ही नहीं रही, सेहत से तो मेरी मम्मी लग रही है। कर मैं आपको सिद्धार्थ के बारे में बता दूं, मिका पाजी और हमारी जितने दोस्त बैठे हैं यहाँ पे, कि धूम 3 में आमिर साहब के बचपन का रोल इन्होंने किया था। बहुत बढ़िया, सबने देखी है धूम 3। वो पहली फिल्म थी जिसमें बच्चा लंबा था, बड़ा होने के बाद छोटा हो गया। मैं आप सबको कहना चाहूंगा, इन्होंने धूम 3 में बच्चे का रोल किया है। मैंने भी बचपन में एक रोल किया था, वो हाथी मेरे साथ ही आई थी ना। अरे मैं राजेश खन्ना जी का बेटा बना था, तुम लोगों को समझा छोटा हाथी बना था। ये बात तो बहुत बढ़िया बोली। यार क्या करूं, माफ करिए, आई एम वेरी सॉरी। तो यहाँ बैठा दीजिए। अच्छा बता, आप बैठना चाहते हैं यहाँ पे? अरे भाई ना, अशोक सम्राट, अरे 16 साल की उम्र है। यहाँ बैठ के बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे आप। ऐसे बच्चे होते हैं 16 साल की उम्र में, इतनी मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, और ये देखो एक चॉकलेट पाने के लिए दुकानदार को अब्बा अब्बा कहता रहता है, बाप मेरा। I'm so sorry. बस पप्पू बस, यार तेरे को दिल से मानने लग गया था मैं दोस्त, आज तू 2 घुटनों के कारण इस चिंटू की सबके सामने बेइज्जती कर दी तूने यार। आज मुझे पता चल गया ये दोस्ती दास्ती कुछ नहीं होती। ए चिंटू, चिंटू ऐसा मत बोल, चिंटू इधर देख, आई एम रियली सॉरी। Oh!
महाराज आप बैठिए। नहीं नहीं नहीं, आप सम्राट हैं। बैठिए। देख चिंटू, हो गया सो हो गया, I'm sorry। तुम क्या समझते हो, क्या हम में बल नहीं है, हम में साहस नहीं है, हम में शक्ति नहीं है? अरे चाहे ना तो एक ही पल में महाराज को उठा ले, नहीं यकीन होता? नहीं। आइए महाराज। बहुत अच्छा लगा, महाराज ने कभी हाथी की सैर नहीं की थी, आज मजा। लेकिन तूने चंद वाह वाह के लिए अपने दोस्त की बेइज्जती कर दी। एक बात बता। बस पप्पू, एक ना दो बात ना तीन बात, मैंने कोई बात नहीं बतानी यार। कोई सैड सॉन्ग है तो लगा दो, मैंने दुखी होना। आपके फेवरेट स्टार से हम वो कराएंगे जो आपने कभी नहीं देखा। हरियाणा कुर्सी से और खुद बैठ गए। मैंने पहले कहा था अपनी कुर्सी मत छोड़ना, कल ऐसे ही रो रो के कुत्ते के सामने उसकी पेडिग्री खा गया। अच्छा पेडिग्री खा गया, अब इसकी खाई इसको कितनी तकलीफ हो रही देखो। 16 साल की उम्र में काम करने वाले का अकेले सिद्धार्थ नहीं है, एक और जन है हमारे पास। कौन? अरे आपको बड़ी एक्साइटमेंट रहती है मिलने की। प्लीज वेलकम इश्क का रंग सफेद से धानी। टीवी पर आ रही हैं। हाय। येलो सोफे पे मैं वाइट। बिल्कुल ऑमलेट की फीलिंग आ रही है, देखिए। येलो एंड वाइट। फिर कलर्स वालों ने ना कमाल कर दिया है मिका पाजी। ये 16 साल की, वो 16 साल के, ये 16 टन का। मौनी रॉय 16 साल की, आज से 30 साल पहले। सौ साल। और अदा 16 गुण तक नहीं है इसमें। मतलब ये कलर्स वालों को पूछना चाहूंगा, आप शो बना रहे हो कि लॉलीपॉप बना रहे हो? सारे बच्चे ले लिए। आप मुझे बात बताइए, मतलब ये कलर्स वाले आपको मतलब पैसे वैसे दे रहे हैं कि आप चॉकलेट देकर टरका देते हैं? पहले आप एक बात बताइए, आप जेलस है ना मुझसे? मैं इतनी यंग एज पे काम कर रही हूँ। बिल्कुल जेलसी है हमको। हाँ। सोलह साल की उम्र में सेलिब्रिटी बन गई है, 32 साल का आज तक नहीं बन पाया, स्ट्रगल कर रहा है। नो नो, मैं ऐसा नहीं मानती, मैं हूँ आपके साथ। हाँ, मैं हूँ ना। पर क्या लग रहे हैं, और पापा बेटी एक साथ, वाह वाह। लेकिन जलन हमारे चाचा जी को। दानी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछो। मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ कि पूछने दो उसे सवाल। सीरियल के कैरेक्टर से बाहर जा रही मैं कलर्स वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब सीरियल में ही बच्ची की शादी कर देनी चाहिए। अच्छा दानी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये अपने शो में मतलब किससे प्यार है आपको, आप इतनी सीरियस क्यों रहती हैं अपने शो में? हाँ, जब व्हाइट साड़ी पहन लेती हूँ तो वैसे ही आधे डिप्रेस हो जाती हूँ।
पर जब भी लंच ब्रेक होता अपनी वैन में जाकर हु हु आओ आओ। लेकिन पाजी एक बात बहुत बड़ी है कि 16 साल की उम्र में एक विडो का रोल प्ले करना है, बहुत बड़ी बात होगी। और ये शो किस शो में किस लड़के से प्यार करती हैं? विप्लव ये सब मेडिसिन जैसा नाम है। डॉक्टर बोले ना सुबह एक विप्लव शाम को एक विप्लव ले लेना भैया। बहुत बढ़िया महाराज आप क्यों शांत हो गए? नहीं मैं हंस रहा हूँ। ये कैसे हंस रहे थे? महाराज अपने मन ही मन में हंसते रहते हैं। हाँ मैंने अभी देखा ऐसे बैठे थे कहते मैं हंस रहा हूँ। अब वैसे आप कितना काम करती हैं, मतलब शोज में सबसे प्यार से बात करती है, ऐसे मंदिर जाती है, ये वो करती है, तो हमने कभी आपको ना आपके शो में ना भैंस का दूध निकालते हुए नहीं देखा। लेकिन आज आपको यहाँ पर कॉमेडी नाइट्स में ना भैंस का दूध निकालना पड़ेगा। जैसा आप कहें। 16 साल की लड़की को भी भैंस का दूध निकालते देखा है? नहीं ना? नहीं। बुलाओ भी भैंस। ये मूनवॉक क्यों कर रही है? ये देखिए पहली बार कॉमेडी नाइट्स लाइव में भैंस को नेवला लेके आ रहा है। बहुत बढ़िया। आप सब तैयार हैं? ये करके दिखाए? आपके बाप की नौकर लगी है? करके दिखाएगी बेचारी। चलो तालियां बजाओ इसके लिए जोरदार। आइए। क्या बात हमारे शो पे देखो। क्रैक ना हो जाता दूध निकालो। आओ करके तो दिखाओ क्या करना है। अरे वाह अरे वाह। काफी खाए पियली लगती है, फर्र से दूध निकल रहा है। वाह जी वाह। लो ये पी लो अब। वेरी गुड। महाराज मजा आ रहा है बहुत। यहाँ आइए। <खत्म करें। laughs> देखो बहुत मजा आ रहा है। अरे कोई बात नहीं आप यहाँ आ जाइए, मैं छोटी हूँ तो आप मेरे पास नहीं बैठेंगे, ऐसा करेंगे? आप बैठ सकते हैं, आपकी बेटी समान है। अब मैं नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे मजा आ रहा है। दानी जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप वो जो ग्लिसरीन होती है वो लगा के रोती है या नेचुरल रोती है? कभी कभार नेचुरल, जब नहीं फील होता तो ग्लिसरीन का अनफॉर्चुनेटली यूज करना पड़ता है। आए, जब चेक नहीं मिलता तब नेचुरल निकल आते हैं। और जब मिल जाता तब वो ग्लिसरीन लगा लेती है। बिल्कुल सही। पर पप्पू हमारा ऐसी रो लेता है, जब चाहे पप्पू रो के दिखा दे। पप्पू एक बार रो के दिखा। मौनी तुमने भी रो के दिखाना है। यू से समथिंग आई विल ट्राई एंड क्राई। आई से समथिंग देन यू विल क्राई। तो फिर लो आई लव यू, अब रो। चलिए मेरे साथ एक सीन कर लीजिए। चलिए इधर आइए। हाँ अच्छा से कोई सीक्वेंस दीजिए। अच्छा सा ये कि ये आपका पति है और आप इसके अलावा किसी को नहीं चाहती, आपको ये बयां करना है कि मैं आपको प्यार करती हूँ, इसको शक है कि आप इससे प्यार नहीं करती, आप किसी और से प्यार करती हैं। एक्शन। देखो मौनी मैं जानता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो, काम कर रही हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम लोगों के बीच वो सब खत्म हो चुका है। ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? चाहे मैं कितनी भी बिजी रहूं, कितना भी काम करूं, चाहे मेरे कितने भी फ्रेंड्स हों, तुम्हें पता है मेरे पास जो भी मेरा टाइम होता है आई वांट टू स्पेंड दैट विथ यू। आई नो मेरी मिस्टेक है दैट आई हैव नॉट गिवन सो मच टाइम टू यू टू दिस रिलेशनशिप,
प्लीज मुझे एक मौका दे दो. I'll make everything all right. मैं सब ठीक कर दूँगी. क्या बात है तालियाँ. मुझे एक मौका दे. ठीक है. मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ. मेरे साथ खंडाला चलो. Fantastic. Mouni के लिए जोरदार ताली. एक मौका अदा को भी देना चाहिए. अरे अदा. हाँ अदा, तेरे सामने चिंटू है. चिंटू के साथ आ जा. वो अदा, तुम इससे शादी करना चाहती हो, चिंटू शर्मा से, और ये तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार नहीं है. एक्शन. हाय चिंटू. हेलो. बहुत अच्छे लग रहे हो. नाइस शॉट. हमेशा अच्छा लगता हूँ. तो चिंटू, बहुत दिनों से मैं तुमसे कुछ कहना चाहती. तो मोबाइल का बिल क्यों नहीं भरा और फोन कर लेती. सैलरी चेक अब तक मिला नहीं है, बट आई प्रॉमिस मैं भर दूंगी. मुझे तुमसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है. आई रियली लव यू चिंटू. मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ. क्या अपनी शूटिंग में बड़ा वाला पिज्जा मंगा के मुझे दे सकती हो? हाँ. क्या मेरे स्कूल का सारा होमवर्क कर सकती हो? हाँ. क्या मेरा डायपर चेंज करोगी रोज? हाँ चिंटू, बोलो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? भाई तालियां अदा के लिए. असली रोमांस जो मुझे लगा ना, वो हमेशा वो चिंटू में लगा. क्या बात है. थैंक यू. ये जालिम दुनिया हमारे प्यार को नहीं समझेगी धानी. यस. आओ हम चल लेते हैं. आओ चल के दो दो विप्लव लेते हैं. No. एक लास्ट रोमांटिक आप दोनों के लिए. एक्शन जरा. शाहरुख. चलो चलो, हमारी जिंदगी में भैंसी लिखी है. जब कलर्स चैनल के इतने बड़े बड़े स्टार बैठे हैं, तो एक और स्टार आ रहा है आप लोगों से मिलने. कौन? पता है कौन है? कौन? ऐश्वर्या राय नहीं. रवीना टंडन भी नहीं. कलर्स चैनल की ओए एक और क्यूट स्टार. प्लीज वेलकम आराध्या फ्रॉम कृष्णदासी. हाय. हाय. वैसे आराध्या, आपको बताएं, आप में और मेरे में एक चीज बहुत कॉमन है. क्या? आपके और मेरे प्रोड्यूसर एक ही है, विपुल डीशा. यार राइट. तो चलो आओ ना. एक मिनट, सेम प्रोड्यूसर है तो मैं भी पूछना चाहूंगा, कैसे जी रही हैं आप भूखमरी में? शो का नाम है कृष्णदासी, लेकिन आपको देख के तो मैं सनादासी हो गया हूँ. मिका पाजी ये आरजे भी रह चुकी हैं, तो आरजेइंग भी की, एक्टिंग भी की, तो ये बताइए आपको ऑडियो में ज़्यादा मज़ा आता है कि वीडियो में? एक्चुअली दोनों ही मीडियम्स मेरे दिल के बहुत करीब हैं, लेकिन ऑडियो में थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, बिकॉज हमें मेकअप का टेंशन नहीं होता, बालों का टेंशन नहीं, पजामे पहन के, जैकेट पहन के, जिपर पहन के, हुडी पहन के बस चले जाते हैं. ऑडियो में बंदा बड़ा रिलैक्स होता है, खुजाते खुजाते हेलो मुंबई, हाउ आर यू, उधर ट्रैफिक है, लेकिन मलाड साइड एकदम रास्ता क्लियर है, ऐसे कर सकते हैं ना. उधर तो भाई वीडियो में तैयार होके रहना पड़ता है. आराज मजा आ रहा है?
बहुत तो यहाँ बिराजी आई है हमको हमको नहीं आराम आ रहा। अच्छा वो आपने इस बार टच नहीं किया। महाराज का भय हो, महाराज का भय हो। खैर मिका बाजी, अब कलर से इतने बड़े बड़े शो के स्टार्स यहाँ पर हैं, तो एक गेम खेली जाए। बिल्कुल यार बताओ। छोटी सी गेम खेलते हैं हम लोग, ठीक है? एक बार जोरदार तालियां हमारे सारे स्टार्स के लिए। देखिए आज कितना लोग खुश हो रहे हैं, क्योंकि जिनको सिर्फ वो टीवी पे देखते थे, यानी कि हमारे कलर्स चैनल के सुपरस्टार आज उनके सामने बैठे हैं। तो बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जो अपने फेवरेट एक्टर से ना कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। कौन कौन है जो सवाल पूछना चाहता है? मैं कैसे वहाँ पहुँच गया? सॉरी, आप किससे सवाल पूछना चाहते हैं बड़े भैया? मैं मोनी जी से और आदा खान से सवाल पूछना चाहता हूँ। कि मैं पतला कब होऊंगा? ऐसा तो नहीं ना? क्या सवाल है? फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन, आप दोनों बहुत गॉर्जियस है, बहुत बहुत गॉर्जियस। थैंक यू। तो मैं आपके सामने आके आपके साथ नागिन डांस करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ पारस और चिंटू का कंपटीशन हो, जो जीतेगा उसको हमारी नागिन पप्पी करेंगी। चलिए पारस तैयार हो? नागिन की पप्पी मिलेगी। दोनों नागिन, दोनों पूछ रहा है, देखो। Cheating. Okay.
एक मिनट यार, 2000 तालियां पारस के लिए। थैंक यू पारस। I think it's just a pretty Cambodian surprise. Yes, I'm Perry, yes, I'm Mickey, yes, I'm Perry, Perry, Pop, it's I'm Perry, Poo. Allah, German Shepherd, phir se aa gaya. I think it's just a Perry, tu hi hoga, bae. Oh. Aap akwaad laga, humare ghar mein ghusaya, phir se, kya chakkar hai tera? I think it's just a Perry, kya se bagawin, take a bandit, shut up. Linda ke bhande, tera naam bhen jo banaunga abhi main. कहाँ से आया तू? Some Perry, Morocco. Morocco से आया है? नहीं, Morocco नहीं मालूम, जाके किसी और से पूछ. इतना मेरे को नहीं मालूम. Excuse me. Yes. Side. चल बे चल. Wow, Mikhaji, very good. चल बे चल. Side please. चल बे चल क्या होता है? क्या है? Mouni Roy is a big fan of you. It's very nice to meet you. You're Nagin, it's Asher Kerr, and a spray in your pot. Oh, yeah, more to this. It's a very good show, Nagin. I love the show. It's very good. So. Abe Pomeranian Kutreya, kya hai tera? Kya lene aaya hai? Tasi Puri gives him the udhar. Ab inhone bhi tere se udhar liya hai. No. Inko dene aaya hu, ye star bane tab main inse udhar dunga. अच्छा तो इनको उधार देने आया है? Yes, yes, a prayer sing kya ullo ke pathe. लेकिन ये तेरे से पैसा नहीं लेंगे. पहले हमको कुछ entertain तो कर, कुछ गाना वाना सुना कुछ. Okay, मेरे गेंडे. गेंडे बोल रहा है. गेंडे 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 का फूल होता है वो. No, गेंडे. So I love the Nagin song is very good. I love the Nagin song and music is very popular in India. Mikhaji. Okay. Tim will resting dung on power, simple, rusting pim nigga resting power, resting room, rambam posting, ram, resting can be approved. Ranging zundu, power you got on bush and put some jay or nacha hap. No, this is very fun, very good. No. तेरी पोमेरियन कुत्ता जब देखो हमारे घर में. No. भाग तेरी तेरी भाग भाग. You didn't park to the foot to the party corner, eh? यार मैं गेंडा दिखता हूँ. हाँ हाँ, कोई आया और मुझे गेंडा बोल के निकल गया. मैं गेंडा गधा दिखा नहीं, गेंडा बोल के चला गया. आप सबको मजा आया? महाराज मजा आया. बहुत मजा आ रहा. तो यहाँ बिराजी आप क्या? चलो ही जाओ. फरमाइश पूरी कर देना चाहिए. ना कहेंगे कि अशोक सम्राट आया और इन्हें कुछ भेंट भी नहीं दिए. क्या बात है. नहीं महाराज आप वहीं बैठिए. आपको क्यों तकलीफ हो रही है? अगले हफ्ते मिलते हैं इसी रविवार कलर्स पे 10 बजे कॉमेडी नाइट्स लाइव पर.
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.